अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल विद अनदर व्लॉग। ये जो क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 2020 का, ये भी अशफाक को सरप्राइज दिया था। ये मेरा ही प्लान था कि अशफाक का जो बर्थडे है ना वो सरप्राइज देना है, क्योंकि अशफाक ने मुझे जो है ना इधर फर्स्ट टाइम शादी के बाद जब मैं इधर कतर आई थी ना तो मुझे जो सरप्राइज है ना बर्थडे का वो दिया था, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। फिर मुझे ये था कि मैं भी अशफाक को सरप्राइज बर्थ तो वो भी खुश होंगे, बस उन्हीं की खुशी के लिए सभी इधर मैं गिफ्ट दूंगी। ये जो कार्ड मैंने भी अशफाक को दिया ना ये मैंने अपनी नंद से ही बनवाया था, तो इसके दोनों साइड पर ऐसे लिखा हुआ है। तो अभी ये जो है ना ये मग भी मैंने अशफाक को दिया था, इसकी दोनों साइड पे ना तस्वीर अशफाक के वो प्रिंटेड करवाई थी। अभी अशफाक ने एक साइड की तस्वीर दिखाई तो मैंने बोला दूसरी साइड की भी दिखाएं, और अभी ये जो ओपन कर रहे हैं ना इसमें बॉडी स्प्रे है, और जो थर्ड नंबर वाली अशफाक की सिस्टर है ना उसने पिक्चर फ्रेम दिया था, अशफाक की जो पिक्चर थी वो प्रिंट करवा के दी। और जो सेकंड नंबर वाली सिस्टर है ना उसने चॉकलेट दी थी और साथ में ना कार्ड गिफ्ट किया था खुद बना के, ये देखें। और जो फर्स्ट नंबर वाली अशफाक की सिस्टर थी ना तो उसने कहा था कि मैं खाने वगैरह का अरेंज कर लूँगी। तब कासिम और अबीहा नहीं थे और ये पाकिस्तान में सेलिब्रेट की थी। ये सेकंड बर्थडे भी अशफाक को ना मेरी तरफ से सरप्राइज था, ये जो सरप्राइज था ना वो ख़राब हो गया। अशफाक की जो जी मेल है ना वही अशफाक ने मेरे मोबाइल में भी की हुई थी, तो जो वो केक वालों का मैसेज है ना वो अशफाक की भी जी मेल पे गया, अशफाक को पता चल गया, मुझे नहीं पता था कि अशफाक को पता है। तो फिर ये केक की पेमेंट ना अशफाक ने कर दी। जब अशफाक घर आए तो मैंने पूछा पेमेंट आपने की है, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे नहीं बताया कि मैंने की। ये कह रहे हैं मैंने तो नहीं की। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से बात की, उन्होंने बताया कि ऐसे जीमेल का हो जाता है, तो आपके हस्बैंड ने की होगी। फिर मैंने अपनी अलग से आईडी जीमेल आईडी बनाई। अभी इधर जो गिफ्ट दिए थे ना वो परफ्यूम रोल और सन ब्लॉक दिया था, क्योंकि ये अशफाक के ना ख़त्म होने वाले थे। रोल तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, परफ्यूम भी थोड़ी सी थी और सन ब्लॉक भी ख़त्म होने वाला था, तो इसीलिए फिर मैंने बस ये चीज़ें ना जो गिफ्ट कर दी। ठंडी 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 कार में ठंडी कर कितना ऑयल है। अभी इधर अबीहा है ना वो भी फ्राइज के लिए रो रही है। ये जो ना अशफाक की थर्ड बर्थडे है ना ये उसकी तैयारी अभी हो रही है। अभी इधर मैंने 3 फ्लावर्स बना के ऐसे वॉल पे लगा दिए हैं, वाइट और गोल्डन का जो है ना कंट्रास्ट किया है। अशफाक की जो बर्थ डेट थी ना वो 9 सितंबर थी, तो मैंने ये सारा जो सेलिब्रेटिंग है ना ये मैंने 8 सितंबर को ही कर रख ली। मैंने ये इसलिए रखी कि अशफाक के माइंड में बिल्कुल भी बर्थडे वगैरह का कुछ भी ऐसा सीन नहीं होगा, तो ये उनके लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा सरप्राइज़ होगा। तो अभी जो है ना मेरी ये वॉल डेकोर हो गई है, ये हैप्पी बर्थडे है ना ये मैंने खुद ही कटिंग करके लगाया है। तो मेरे माइंड में था कि अगर मेरे पास टाइम बचा ना तो मैं नीचे अशफाक का ना नाम भी वो कटिंग करके ना वो भी इधर लगाऊंगी, उसकी स्पेस रखी थी। ये मैंने इसीलिए मिड में नहीं लगाया, थोड़ा सा ऊपर को लगाया है कि नीचे है ना नाम की स्पेस रखी थी। कुछ दिनों से ना कतारा फाल्कन फेस्टिवल स्टार्ट है, तो उसकी वजह से अशफाक जो है ना वो घर लेट आते हैं, 8 o'clock या उससे 5 या 10 मिनट ऊपर हो जाते हैं, तो इसीलिए कुछ मुझे इतनी खुशी थी। मेरा तो माइंड था कि मैं सुबह से ही ये सारा डिकोर करके ना ऐसे रख लूँ, इतनी खुशी थी। तो फिर मैं 1 बजे स्टार्ट हुई, फिर वो मैंने अभी बैलून वगैरह ऐसे हवा भर के रखे हैं तो उनकी हवा निकलना शुरू हो गई। फिर मैंने कहा अगर मैं 1 बजे से ऐसे सारा कर दूँगी तो फिर तो ये सारे जो है ना बैलून की डेकोर वगैरह ख़त्म हो जाएगी, फिर मेरे से वेट नहीं हो रहा था। फिर मैं 3 बजे स्टार्ट हो गई,
तीन बजे के बाद ये सब डेकोर करना। अभी इश्फाक ये बच्चों के लिए लेके आए थे ये क्रैप केक, तो बच्चों ने वो खाया। वाला फ्लावर वाला था ना वो सारा इधर से बिल्डिंग की हवा खत्म हो गई थी, वो जगह सारी खाली हो गई थी। फिर मैंने कहा जब इश्फाक आएंगे ना ये तभी मैं ना लगाऊंगी। इश्फाक बच्चों के साथ केक खाने लग गए बच्चे भी, तो फिर मैंने ये फ्लावर में ना हवा भर के लगाई। अभी जो है ना ये व्यू मैं लाइट ऑफ करके ले रही हूँ। लाइट ऑफ में बहुत ही जो है ना कलर जो बैलून्स का है ओरिजिनल आता है। तकरीबन 10 या 12 के करीब बैलून है ना उनकी हवा ऐसे ही ख़राब हुई जो है ना ऐसे वेस्ट हुए। तो डेकोर के लिए जो बैलून है ना वो इंसान के पास एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो ये जो पैकेट था ना ये 50 बैलून्स का था, तो जो वाइट वाले थे वो तकरीबन 8 के करीब थे। तो वाइट का भी मुझे था कि मैंने ज़्यादा फ्लावर नहीं बनाने तो इतने काफ़ी। जब इश्फाक शाम को घर आए ना तो इश्फाक को फीवर था, इन्होंने आते ही एसी ऑफ कर दिया। तो फिर जो मेरी खुशी इतनी ज़्यादा थी ना वो ख़त्म तो नहीं हुई लेकिन कम हो गई, क्योंकि जब इंसान बीमार हो तो फिर उसका किसी चीज़ के लिए भी ऐसे है ना हैप्पी मूड नहीं होता। तो बस इसी वजह से कासिम जो है ना वो काफ़ी दिनों से एक्साइटेड बहुत ज़्यादा था, उसे बर्थडे केक का बर्थडे बैलून का बहुत शौक है। वो बोल रहा था मम्मा हैप्पी टू यू, बर्थडे तो नहीं उसे बोलना आता, वो बर्थडे जो है ना वो मिस कर देता है, मम्मा हैप्पी टू यू पापा। तो मैंने कहा जी पापा की है कासिम की नहीं है, फिर रोने लग गया, नो मम्मा पापा नो हैप्पी टू यू कासिम हैप्पी टू यू। तो ये जो है ना ऑनलाइन केक था ना ये मैंने लेके अपनी फ्रेंड के रूम में रख दिया था, क्योंकि हमारे रूम के जो है ना उस साइड पे कैमरा लगा हुआ है। मैंने कहा अगर मैं केक अपने रूम में लेके आई तो इश्फाक को पता चल जाएगा कि ये कुछ लेके आई है। तो ये मैंने फिर अपनी फ्रेंड के रूम है ना उधर ही रख दिया था। शाम को जब इश्फाक आए तो फिर मैं लेके आई थी। इश्फाक जो है ना वो कैंडल जला रहे हैं और बच्चे भी देख रहे हैं। तो मैंने वो जो केक बोर्ड है ना उस पर बोला था उनको कि इसके ऊपर ये सारा लिख देना, लेकिन उन्होंने ऐसे एक पट्टी सी बना के लिख दी, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा आइंदा से अगर कुछ बनवाना हो तो उन्हें बिल्कुल तस्वीर सेंड करे सेम ऐसे ही बनाना। कासिम और अभिया को कैंडल ब्लो करने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। कासिम हैप्पी टू यू भी करो, हैप्पी टू यू करो, कासिम हैप्पी टू यू करो, करो कासिम गेस्ट करो। अभी पापा को भी कासिम खिलाओ, पापा को भी खिलाओ अपने हैंड से। अभी जो इश्फाक है ना वो गिफ्ट ओपन करेंगे। ओए ये देखो मामा के लिए, अभी कासिम कासिम को मामा को देखने दो, मामा को देखो। ओए ये देखो, ये देखो दूसरा चेक करो, दूसरा भी चेक करो, ये पकड़ो ये पकड़ो, चलो जी ये देखो। इधर अभी है ना वो बहुत गौर से देख रही है, पता नहीं इसके अंदर से क्या निकलने वाला है। मैं ओपन करता हूं, पहले ओपन कर दे। वाओ ये जो वॉच है ना इन पे ऑफ चल रही थी, फिर ये दोनों बाय कर ली। उन दोनों में से इश्फाक को जो ब्लैक कलर की है ना वो ज्यादा पसंद आई तो वही उन्होंने लगा ली। कासिम अभिहा और इश्फाक की इनकी सबकी मैचिंग थी। तो लास्ट इश्फाक के बर्थडे पे भी इन सब की मैचिंग ऐसी ही थी, इनकी तब वाइट की थी और अब उसी ग्रीन कलर की थी। अभी ये केक की इनसाइड है, मुझे भी याद है कि मैंने आपको केक की जो फोटो का ना वो करीब से नहीं दिखाई, अभी दिखा रही हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़, लाइक करे शेयर करे सब्सक्राइब करे। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।